खुद को खड़ा होना होगा। इस नाम पे खड़े मत होना कि आप जाट हो, इस नाम पे खड़े मत होना कि आप ठाकुर हो, इस नाम पे खड़े मत होना कि आप चमार हो, इस नाम पे खड़े मत होना कि आप किसी भी बिरादरी के हो, सिर्फ इस नाम पे खड़े हो जाओ एक साथ कि आप हिंदू हो और आपने मुकाबला करना है उनका, आपने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है तो आप खड़े हो जाओ। जब आप बच्चों के दिमाग से ये बात निकाल दोगे और उनके दिमाग में ये बात भर दोगे कि बेटा सिर्फ आप और सिर्फ हिंदू हो और आपको अपने आप को मुसलमानों से बचाना है, तो निश्चित तौर पर आप एक सेफ रहोगे, हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाओगे। आज इस देश में केवल 18% मुसलमान है, केवल 18% मुसलमान है। उस 18% मुसलमानों ने हम 70% हिंदुओं का जीना मुश्किल कर रखा। शर्मानी चाहिए हमें यार, हमें शर्मानी चाहिए कि हम इतने ज्यादा होने के बाद भी उनसे मार खा जाते हैं, उनसे डरते हैं, खौफ करते हैं हम उनका। हम में से हमारी माताएं बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बेटों को ये कहो कि बेटा हर एक में महाराणा प्रताप है, आपको महाराणा प्रताप बनना है, आप उनके लिए आंसू मत बहाओ कि मेरा बेटा जेल चला जाएगा, कल को झगड़े में फंस जाएगा, बल्कि आप उनको प्रोत्साहित करो कि अगर आपके धर्म पर, आपकी माँ पर, आपकी बहन पर कोई गलत निगाह रखता है तो इकट्ठे हो जाओ और उनका सबका मुकाबला करो। है आप सब में वो ताकत?